पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा संसद में सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में अपनी सदस्यता गंवाने के बाद अब नए विवाद में फंसती दिख रही हैं। दरअसल जिस व्यक्ति ने सांसद मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप लगाए थे, उसी ने इस बार महुआ मोइत्रा पर बंगाल पुलिस की मदद से अवैध निगरानी करवाने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा पर अपने पूर्व प्रेमी की निगरानी कराने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने 29 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने बताया कि टीएमसी नेता अपने पूर्व प्रेमी को उनके फोन नंबर के जरिए ट्रैक कर रही हैं, साथ ही वह बंगाल पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी प्राप्त कर रही हैं। देहाद्राई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि महुआ मोइत्रा 2019 में सुहान मुखर्जी नाम एक व्यक्ति को ट्रैक कर रही थी। उन्होंने कहा, महुआ ने मुझे मौखिक और लिखित रूप से बताया था कि वह अपने पूर्व प्रेमी को ट्रैक कर रही थी क्योंकि उसे उस पर एक जर्मन महिला के साथ रिलेशन में होने का शक था। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपनी चिट्ठी में कुछ चैट के स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील देहाद्राई ने आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल की सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं गृह मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि भारत के सभी एक्स बॉयफ्रेंड की शिकायतों की जांच के लिए विशेष सीबीआई निदेशक नियुक्त किए जाएं। हालांकि कुछ ही घंटों बाद महुआ ने यह पोस्ट डिलीट भी कर दिया, लेकिन अब लगातार देखा जा सकता है कि फिर दोबारा महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, जैसे उनके पुराने मामले पर पूरी राजनीति यहां पर की गई थी। और यहां पर बीजेपी के नेताओं ने भी बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए थे, जिस वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई, पूरी जांच हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। और अब फिर दोबारा एक नया आरोप है जिसके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई की बात की जा रही है।